Yesterday we discussed about chapter number 9. The chapter is about, yes, yesterday how many students were present? Basta, be ready for. Chalo. क्या थे अपने कैरेक्टर का नाम? वो कैरेक्टर का नाम क्या था? उसका शॉर्ट फॉर्म क्या था? पेज नंबर 116 वल इज द राइट आंसर. सिट डाउन. Sit down. Okay. She was 8 years old. Let's revise. आप सब आए नहीं थे कल. ये एक वो स्टूडेंट थे जो यू डू नॉट हैव बुक रिवाइज. ओके. सो द स्टोरी, ओवरऑल स्टोरी पहले बता देता हूँ. एक छोटी लड़की, इसके कोई फ्रेंड है. ओके. शी वॉज, हर ड्यूटी और हर मेन वर्क वॉज टू ऑब्जर्व द स्ट्रीट. क्या चल रहा है स्ट्रीट पे, उसको वही काम अच्छा लगता था. देखो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द स्टोरी. गुड. चलो बाकी तो सब आई समझता हूँ. तो ये इसको कोई काम नहीं था. स्ट्रेट देखते रहे. सडनली शी वॉज एट दैट टाइम शी वॉज ऑल्सो ऑब्जर्विंग अ बस गोइंग फ्रॉम हर स्ट्रीट टू टाउन एंड फ्रॉम टाउन टू हर स्ट्रीट. तो उसको वो भी मजा आने लगा. तो शी थिंक्स कि अगर स्ट्रीट में इतनी सारी चीजें हो रही तो बाहर कितना कुछ होता होगा. एंड टू वर्ड्स वी डिस्कस्ड दैट वाज योर आई दैट वाज गोल्डन लाइन फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर स्टडी आल्सो. व्हाट वाज दैट? विश एंड डिजायर. वी डिस्कस्ड दिस. ओके. हमने इसको क्यों डिस्कस किया था? इसको हम अपने पढ़ाई में कैसे इन्वॉल्व करते हैं, अपने डेली लाइफ में कैसे इन्वॉल्व करते हैं. विश मीन्स व्हाट? काश मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं. डिजायर मीन्स व्हाट? The work you are, the activity or work that you are doing to fulfill that wish is called desire, or we can say a strong desire. Okay? तो ये लड़की जो थी, स्टूडेंट जो कैरेक्टर थी हमारे ग्रुप ग्रुप क्या है स्टोरी की, वाली. ओके. हर नेम इज, हर फुल नेम इज वल्यमाई. वल्यमाई. ओके. वी ए डबल एल आई ए डबल एम आई ए. टू डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस. सो वाली इज ओके. उनके हम पिंपल रख दिया, आप भी वही बुलाएंगे. सो हर कॉन्सेप्ट वॉज कि काश मैं इस बस में जाके देख पाती कि बाहर क्या होता. सो इट वॉज हर विश. आफ्टर टाइम इट बिकम्स डिजायर. तो उसने कुछ काम किया उसके पीछे. समझ आया आपको विश डिजायर के बारे में? वन इम्पोर्टेंट थिंग, मैं कुछ वर्ड्स जो यहाँ रेगुलर बोलूँगा, हो सकता है वो आपको पेपर में मिले. अगर यहाँ से वर्कशीट्स बनेंगे आगे, तो यहाँ से बनेंगे तो मैं ये देखूंगा कि कितना बुक में से छापे हो, नहीं कितना आप लेक्चर में सुनते हो. समझ आ रहा है? बट हाउ मैनी ऑफ यू कैन डेफिनेटली राइट अ गुड आंसर इन इंग्लिश विदाउट एनी हेल्प? कुंपल पक्का. Hands down. बाकी सब मेरे भाई बहन हैं. चलिए कोई बात नहीं. ओके. सो दिस इज द मेन बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. कैसे वो बस में बातें जाती है कि नहीं जाती है. हाउ स्टोरी वॉज द जर्नी वॉज इन हर फेवर और नॉट. बिकॉज 8 years old इज स्मॉल. 8 साल की बच्चों कितना समझ पड़ेगा. बट हर स्ट्रॉन्ग डिजायर वॉज टू बस में तो बैठ जाऊंगी. वॉट वॉज देर वॉज नो बैकअप फॉर हर. पहले उसने चीज सोची नहीं. तो मैं देखा कि ये बस जगह से उठती है, जगह पे जाती है, वापस वहाँ से आती है. हमें कुछ करना नहीं होता, हमको तो बैठे रहना होता है. सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, फेयर कितने लगेंगे? चलिए कितना माइल्स का डिस्टेंस था उसके स्ट्रीट से वो टाउन. जो कल प्रेजेंट थे बुक में लिखा हुआ है. यस बोलिए. 6 miles. 6 miles वॉज द डिस्टेंस. आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, आपको बच्चे की उम्र पता होनी चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए, डिस्टेंस. और पैसे कितने थे? 30. ओके. और कितना ड्यूरेशन था? 45 45 मिनट्स. गुड.
अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं. वेल एंड गुड. दिस मेक्स के हम आप यहाँ पर ध्यान से सुन दे बेटा. आपके पास बुक है? ओके. नाउ दिस प्रोसीजर स्टार्ट्स. एट फर्स्ट शी कलेक्टेड द बेसिक थिंग्स कि व्हाट इज द टाइम ऑफ द बस, हाउ मच इट कॉस्ट, अ फेयर चार्ज एंड मेन प्रिंसिपल वॉज कि जिस सीट पे हम बैठेंगे उसी पे जाएंगे, रिटर्न में उसी सीट पे उसी बस में आएंगे, बस से उतरेंगे नहीं. यू नो ना, क्योंकि अगर तुम उतरे बस से तो सारी बस लाल कलर की है, तो अपने जगह पे वापस नहीं पहुंच पाओगे. ओके चलिए. नाउ वी केम ऑन विच पैरा? पार्ट टू. ओके यस, फर्स्ट पार्ट ओवर. नाउ वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज एंड टर्निंग इन टू मेन हाईवे व्हेन अ स्मॉल वॉइस हर्ड स्टॉप द बस मींस एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंग. टेल मी क्या हुआ? मुझे बस मेन कंटेंट बताओ कि हुआ क्या एग्जैक्टली. तो जैसे ही बस रुकी थी, उन्होंने कंडक्टर करके बेचारे चल रहे हैं कोई भी पेंसिल ठीक नहीं करेगा बेटा. पेंसिल यूज रखोगे अपने पास हमेशा टेक्स्ट बुक के लिए. ओके इफ यू हैव सेकंड थिंग, वो कंडक्टर बड़ा था, उसको पता है इतनी छोटी बच्ची अकेले कैसे चढ़ेगी. So at first question was arising in his mind. Okay, how you do? Yes, I simply have to go to town, said Wali, still standing outside the bus, and here's my money. She showed him some. ये है पैसे, तो मुझे town जाना है. Simple. The simple gesture was so cute like. Never mind, she said, I can get on by myself, you don't have to help me. And now here this attitude says कि तुम्हें जरूरत है, मैं खुद चढ़ जाऊंगी बस. Okay? The conductor was jolly sort, fond of joking. Oh, please don't be angry with me, my fine madam. And he said, ki gussa mat karo. At first, the conductor thought, ki ye choti bachche kaise chalegi bus. So he said, let me help you. And she said, no, I can do it by myself. So the conductor replied, don't worry, ma'am, do not get angry on me. Okay, and it was in a funny mood. Here I was seat right up in front. Everybody move aside, please make a way for madam. Now conductor was ma'am ke liye jagah do, ma'am ke liye jagah do, ma'am ke liye jagah do. It was like this at first. It was the slack time of the day, and you know the time where not means the rush hour is too much less. You know noon ke time pe jaldi koi bahar nahi bhatakta. Ya to the morning rush hota hai, to evening mein rush hota hai. Noon ka time acha hota hai. So they were all looking at Wali and laughing with the conductor. Wali was overcome with shyness. But when she, you know, entered in the bus, अभी हमारे क्लास में छोटी सी बच्ची आ जाएगी तो हम किस तरह रिएक्ट करेंगे और वो छोटी बच्ची किस तरह रिएक्ट करेगी. सो सेम सिचुएशन वॉज क्योंकि सारे बड़े बड़े थे बस के अंदर, वो छोटी 8 साल की बच्ची थी, वो भी अकेली. तो जनरली किसी के माइंड में क्वेश्चन होगा ना, वो तो अच्छा रो नहीं रही थी, वरना बस को रोक के कूदना पड़ता पहली बार अगले ऊपर था. सो शी बिकम वेरी शाय एंड एवरीबडी वॉज जस्ट यू नो ऑब्जर्विंग हाउ अकेले जा रहे हो. इस कॉन्सेप्ट वॉज पार्ट एंड द कंडक्टर हियर इट वॉज दैट टाइम लाफिंग विद द कंडक्टर वाली वॉज ओवरकम विद शाइनेस अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज शी वॉक द क्विकली इनटू एंट्री सीट एंड सैट डाउन. ईच एंड एवरी पर्सन वॉज लाइक दिस कॉन्स्टेंटली. ईच एंड एवरी पर्सन जस्ट इमेजिन कितना अभी जैसे मैं आता हूँ, सब घूरने बैठ जाते, तो अपना बुक निकल के बैठो. तो सेम कॉन्सेप्ट वॉज देयर फॉर हर कि सब उसको बेचारी छोटी बच्ची है, सब उसको देख कर रहे थे कि कहाँ जा रही है अकेले. एंड फॉर हर इट वॉज लाइक अभी तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई, सब ये कर रहे हैं. नाउ सडनली वो गई अपनी जगह पर जाके बैठ. ओके सेट डाउन. अब नाउ
द स्टोरी स्टार्ट मे यू स्टार्ट नाउ मैडम द कंडक्टर आस्क स्माइलिंग देन ही ब्लू हिज व्हिसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड बस स्टार्ट इट वॉज अ न्यू बस इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्रीन व्हाइट सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स ओके द स्टैंडर्ड मेथड इज बस के आगे जनरली हमारी एमटीए लाल कलर की होती है व्हाइट कलर की बस और ग्रीन कलर की पट्टी है इफ इट इज आस्क्ड इन एग्जाम के डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ वाली सो दीज आर द वर्ड्स यू मे और यू माइट यू हैव टू इंट्रोड्यूस दीज वर्ड्स यू हैव टू डिस्क्राइब इन अ पैरा टू टू थ्री लाइंस हाउ द बस वॉज लुकिंग आर यू गेटिंग द पॉइंट अगर आपको डिस्क्राइब करने के लिए जर्नी बोला गया तो वाली के बारे में आपको लिख देना होगा माई सेल्फ उसका पूरा फिर आपको लिखना है हाउ शी वॉज हाउ शी एंटर्ड इन द बस with a great gesture you should also write ki the conductor was a fond of joking when he first observed the little girl he was very confused at first and second thing when she arrived words confused to nahi ho rahe na mind mein kisi ke jab wo arrived hui tab uska behavior aur dusre log is tarah ka tha ye sab kuch words aapko likhne chahiye answer sheet mein chaliye नया बस था द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वाली अबव द विंडशील्ड यू नो द विंडशील्ड छज्जा देयर इज अ विंडशील्ड मींस छज्जा कहते हैं इस तरह से बाहर लगा होता है घर के आगे खिड़की के तरफ ओके आपको पता है इस चीज के बारे में गुड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉथ दिस सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस ओके देयर इज अ क्लॉथ इनसाइड द बस वाओ Okay, so this para explains elaborate about the intro about the bus. So, market. Wali devoured everything with her eyes. She was observing everything with her eyes. But when she started to look outside, she found her view cut off by canvas blind that covered the lower part of her window. She stood up on the seat and peered over the blind. Now the problem arrived when जब उस खिड़की के पास वो बैठने गई, तब उसको problem हुई यहाँ तक तो खिड़की ही चल रही है. इसके ऊपर का सब कुछ देखना सो द प्रॉब्लम अराइव जब वो खिड़की की सीट के पास बैठी खिड़की सीट खिड़की वाली सीट अभी जिसकी हाइट ये वॉल है वहां तक वो देखेगा क्या वो देखने क्या गई थी बाहर का नजारा तो वो बैठ गई सीट के ऊपर मतलब पहले सीट पे थी फिर खड़ी हो गई सीट एंड देन शी वाज स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द एंटायर व्यू फॉर सो शी स्टूड अप ऑन द सीट सीट पे वो खड़ी हो गई पीयर ओवर द ब्लाइंड द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ कैनाल द रोड वॉज वेरी नैरो ऑन वन साइड देयर वॉज अ कैनाल बियॉन्ड इट पाम ट्री ग्रासलैंड डिस्टेंस माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई सिंपल जर्नी हम कहीं भी रूरल एरिया से पास होते हैं आप कभी रूरल एरिया से बस या ट्रेन में निकलोगे तो आपको मिलेगा हर छः मिनट में एक पहाड़ दिखेगा ऊपर बादल दिखेंगे एक चक्की नहीं दिखेगी आपको और घास घास रखेगी So same concept here, okay? Canals. Yes, one important thing: bank of canal or road was there. That's it. And for her, it was like jungle. It was so wonderful. Suddenly, she was startled by a voice. Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like this. Sit down. अब एक ऐसे अंकल होते ही हैं बीच में. You know what? I feel that you don't know when you are sitting near the window seat. As a kid now, I don't know, you may do it like this in the window. और ये वाला पोर्शन बाहर होता है तो वो गाली देते हैं भाई अंदर रख इसको सो दिस के सेम सिचुएशन शी वॉज नॉट सिटिंग ऑन द सीट वो बैठी नहीं थी और तब खड़ी हो गई थी सीट पे और पकड़ के देख रहे थी सब कुछ तो सडनली एक आवाज आई कि बेटा आपको इस तरह खड़े नहीं रहना चाहिए आप बैठ जाओ ओके जनरली अच्छा लगेगा सब बैठे हैं लोगों के लिए खड़ी बट फॉर हर मीन्स जस्ट इमेजिन उसकी डेयरिंग तिल लेने गए सबके सब मेरे को तो बस बाहर का नजारा देखना है सो दिस वॉज हिज हर कॉन्सेप्ट एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 121 फर्स्ट लाइन ओके सब साथ जिनके पास टेक्स्ट बुक तो मेरे साथ चल रहे हो ना कि आगे पीछे हो रहे और कितने के पास टेक्स्ट बुक्स है गुड बाकी सब मेरे भाई के नहीं भाई चलिए Now sit down. She looked to see who had spoken. How? अब बच्चे का दिमाग खराब हो गया. Sitting down, she looked to see who had spoken. It was elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by the appearance.
अब एक एंटरटेनमेंट होते हैं ना कोई, तो बोल देते हैं बीच में, तो ये वही थे एक अंकल, तो ये तो उनका इंटेंशन था कि बच्ची गिर ना जाए, अब वो गिर जाएगी तो कौन उसको चुप कराएगा। एंड सपोज इट्स नॉट अ जर्नी, मे बी सम एट सम पॉइंट बिकम्स डेंजरस टू सम प्रॉब्लम, ओके, कभी कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं जर्नी के टाइम, तो बच्चों को ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे ख्याल रखने वाला कोई था नहीं, तो उन्होंने बोला बेटा आप बैठ जाओ, तो उसको लग गया गुस्सा, एंड शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन, देयर इज नो बडी हियर्स हु इज चाइल्ड, शी सेड हर हॉटली, एंड आई पेड माई 30 paise लाइक एवरी वन एल्स। वन इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव नोटिस, चाइल्ड आई थिंक 8 साल, 4 या 5 साल से बड़ों का चार्ज फुल होता है। अरे बोले कि पॉइंट 8 साल के फुल पैसे पे, इसने यही बोल दिया कि कोई बच्चा नहीं, मैं अकेली हूँ और सबकी तरह मैं नहीं पैसा पा, लेकिन बेटा आपको बैठने के लिए जगह नहीं, आप बैठो वहाँ पर। बट शी वॉज लाइक कि नहीं, वो कुर्सी मैंने खरीद ली है 30 paise में, आप इतना एरिया मेरा, अब मैं बैठू फाड़ू कुछ भी करूँ मेरा नहीं, नॉट योर पॉइंट ऑफ व्यू। एक्चुअली हाउ इज इट पॉसिबल, 12 बजे यार, 16 मिनट्स चलने दो भाई, अभी इसको 25 मिनट तक खींचने का है, मुझे आधा वीडियो में वाले की नहीं जाऊंगा, पर टीचर नहीं आएंगे तो चल करेंगे, ओके। यू हैव टू टेल मी आफ्टर 9 or 8 minutes, 8 मिनट्स हमें खींचना पड़ेगा कंपल्सरी, ओके। नाउ यस द कंडक्टर चाइल्ड, ओ सर सी देयर इज नोबडी हू इज चाइल्ड, शी सेड ऑलरेडी आई हैव पेड माय 30 paise लाइक एवरीवन एल्स, सबके तरह मैंने पूरे पैसे भरे हैं। द कंडक्टर चाइल्ड, ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, नाउ आर यू गेटिंग द पॉइंट, कंडक्टर मस्ती उड़ा रहा है, तो दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, डू यू थिंक माय गर्ल कुड पे हर ओन फेयर ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन, क्या आप मान सकते हो ये इतने बड़े लोग कैसे अकेले ट्रैवल कर रहे हैं सिटी तक। वाली शॉट एंड एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड, आई एम नॉट अ मैडम, I'm not a man. Please remember that, and you have not yet given my ticket. तुम बातें करते हो टिकट तो तुम्हें, तुम मुझे। आप ऐसे कितने लोग इसे बस पे ट्रैवल करते हो जनरली टिकट लेके ना होता है? कहाँ से आप ट्रैवल करते हो? मणिपुर से। और कोई? गुड, तो कितने साल से ट्रैवलिंग कर रहे हैं जनरली? 2 years, 2 महीने, 20 महीने, नहीं, अच्छा अभी हाल ही स्टार्ट हुआ, स्कूल के कारण थोड़ा काम होता है तो आने जाने का, उसके अलावा गुड, इट्स आल्सो, तो शी वाज नाउ लिटरली, एक तो पहले वो डरी हुई हो क्योंकि सब बड़े लोग उसके आजू बाजू और वो छोटी, पहले वो डरी है बेटा 8-7 मिनट बोल देना मेरे को बंद कर देना, वो डरी हुई, और कंडक्टर अब मजाक उड़ाने में लगा हो और टिकट नहीं दी है वो अलग, और ये दादा जी तंग कर रहे हैं वो अलग, और मुझे देखने मिल नहीं रहा है, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम वाज देयर इन हर माइंड। नाउ शी वाज ए आई रिमेंबर भड़का होता था, ओके कंटिन्यू। Now she said, I want my ticket. And the conductor said, I remember the conductor said, mimicking her tone. Mimicking her tone, you know, बच्चे बोलते तो बच्चे की आवाज में उन्होंने सामने जवाब दिया. Okay? And everyone laughed. And gradually, Bali to join in the laugh. Now finally, she also laughed. क्योंकि उसने बोला उसकी पतली आवाज में बच्चों की तरह. और बाद में उसने बोला, yes, I'll give it. The conductor punched the ticket and handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand and you have paid for a seat? उसने तो समझाया बेटा, आपने जब पूरे पैसे दिए तो बैठो, खड़े क्यों हो? जनरली ऐसा होता है कि जब सीट नहीं होती तब मैं खड़े रहना पड़ता है। उसने बोला बेटा वो इसलिए बोल रहे थे कि जब आपने पे किया है तो आप बैठ जाओ कुर्सी पे, आप वहाँ पे अपने जो छोटे छोटे पाँव में लगा दोगे दूसरे कैसे बैठेंगे? दिस वॉज द थिंग, एनीथिंग वन टू से, गर्मी लग रही है मेरे को बहुत लगेगी, ओके, बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन, बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प, दैट्स व्हाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड।
मैं बोला कि बेटा अगर बम्प आएगी और टर्न आएगी तो फ्लाइंग इन द स्काई हो जाओ, बैठ जाओ, आपको इंजरी होना है इसलिए. ओके, आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड आई एम 8 इयर्स ओल्ड, मींस लिखा है इसलिए आई एम 80 इयर्स ओल्ड. Of course, how stupid of me, 8 years, oh my God. Are you getting the point? He was making fun of her literally. But he was in some kind of sense, he was also making fun and concerning of her. Okay, कभी कभी छोटे बच्चों को समझाने के लिए उनकी तरह बनना पड़ता है. अगर हम हर बार पकड़ में आ जाएंगे तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा. आप भी टाइम से निकले हो, हम भी टाइम से निकले हैं. अगर कोई टॉडलर होता है, ना टॉडलर छोटा बच्चा बहुत, उसको उस तरह से हैंडल करना भी आना चाहिए बड़ों को. ओके, क्यों आपको मैं एक बार बोलूँगा आप मान जाएंगे. जूनियर कीजिए मेरे को बोले लेक्चर लेने के लिए, इमेजिन मेरी क्या हालत होगी वहाँ पर. फिर हम नहीं मिल पाएंगे 2-3 महीने. ओके, नाउ बाद में क्या हुआ, यस समझ आ गया, बस स्टॉप देम, स्टिल वी हैव 4 मिनट्स. And he's helping. Page number bolo. 21. Good. The bus stopped, some new passengers got on and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Wally finally sat down. इसको छेले खतरा हो गया कि भाई खड़ी है तो यहाँ खड़ी हो, मैं बैठ जाता हूँ. सिंपल कॉन्सेप्ट. ओके, an elderly woman came and sat beside her. अब खतरा और बढ़ गया, दादी जी आके बैठ गए. मतलब ऐसे तो अच्छा होता, दादी जी अच्छे होते हैं. आर यू अलोन हियर, शी आस्क वाली एज द बस स्टार्ट आ गया. तो पहला क्वेश्चन जो अभी तक किसी ने नहीं पूछा, अब पूछा किसी ने कि बेटा तुम अकेले हो, मम्मी पापा आ गए. ओके, जनरली पीपल यूज टू कंसर्न अबाउट समवन, ही और सी, शी आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, बेटा आप अकेले हो. सो वाली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, सच बिग होल्स इन हर होल ईयर लोब्स एंड सच अगली earrings in them, and she could smell that beetle nut the woman was chewing and see the beetle juice that was threatening to spill over her lips. And here the woman, elderly woman, was described. Let's read again. He found a woman absolutely repulsive, means what, opposite of attraction. Any कोई भयानक सर आज में बैठा हो उसके कारण. Okay, we have only 4-2 minutes to बोलते रहना अभी. Such big holes she had in her ear lobes, such big holes and such ugly earrings in them. ये अरे वो नहीं होता राजस्थान और गुजरात में, इतने बड़े earrings इतने में डाल दिया होता है उन्होंने. ये पूरा यहाँ से तो बस पास हो जाते हैं, जगह इतना बड़ा जगह, और उसको देख के इरिटेशन हो गई कि उसको पेन कितना होता होगा. ये एंड यू नो आफ्टर सम टाइम्स इसकी तो हाइट बॉडी बड़ी हो जाती है, दो कान बन जाए इतना बड़ा हो जाता है. आर यू गेटिंग द पॉइंट, कुछ इस तरह का होता है. सेम क्वेश्चन वॉज हियर. ओके, एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट, ये सोपारी, बीटल नट इज सोपारी, शी वॉज इन सोपारी, मतलब सेम थिंग, शी वॉज एन ओल्ड एल्डर वुमन एंड शी वॉज लाइक अ फ्रॉम रूरल एरिया एंड वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर द लिप्स एट एनी मोमेंट. What could you be social with such a person? अब वो सुपारी खा रही थी, उसको लगा था कि ऐसा ना बोलते बोलते मेरे पे ही थूक दे. She was afraid of that. And the situation was like इसको यहाँ ला देना चाहिए, मेरे को वहाँ बैठ जाना चाहिए. Because वो बोल पूछ रही थी, बेटा किसे नहीं कोई पान खा के तो बेटा कैसे हो. Real concept was there. ये वो बेटा के साथ उनके मुँह पे पान बिगड़ेगा. ये सुपारी was like this. Yes, I am traveling alone, she answered curtly. And I have got a ticket too. मेरे अकेले चल रही हूँ, मेरे पास टिकट भी. मतलब शी इज टेलिंग एवरीवन कि मेरे पास टिकट है, मेरे पास टिकट है, मेरे पास टिकट है. पूरे बस को पता चल गया कि अगर नहीं बैठे. ओके, आई थिंक इट्स स्टिल 2 मिनट्स. यस, आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर कर्टली. यस, शी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट. और कंडक्टर भी बोला उसको कि हाँ ये वो बच्ची है, 30 पैसे की टिकट ली और ये टाउन जा रहे. ओ, why don't you mind your own business? said Wally. फिर गुस्सा हो गई. But she laughed all the same and the conductor laughed too. Just imagine, we can visualize this situation in our mind, अगर आप इमेजिन कर सकते हो कि ये वाली है, कंडक्टर उसको तंग कर रहे हैं, बस में खिड़की की तरफ बैठी है. That is a one proper way to learn something. Okay? But the old man went on with her. Because she is it proper for such a young person to travel alone?
डू यू नो एग्जैक्टली वेर यू आर गोइंग टाउन? फिर उसने बहुत जनरल क्वेश्चन पूछा, क्या जरूरी है, क्या सही है इस तरह से कैसे चलना? उसने बोला और क्या आप कहाँ जा रहे हो टाउन में, व्हाट्स द स्ट्रीट, व्हाट्स द हाउस नंबर? अब हो गया पूछ लिया, वो होते हैं ना कोई बेटा आप क्या पढ़ रहे हो, कितना आता है आपको, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। दिस इज द सेम काइंड ऑफ पर्सनैलिटी कि भाई आपको कहाँ जाना है, स्ट्रीट का नाम क्या है और हाउस नंबर क्या है। यू डिडंट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, ऑल इज सेट, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो। सिंपल, तुम अपना काम से काम करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ओके, आई थिंक पार्ट टू दिस, यहाँ तक की स्टोरी आप सबको पता चली, एंड लेक्चर इज ओवर।